हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी मैथ ट्रिक्स। यानी मैथ ट्रिक्स का खजाना इसे देख के ही जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, और इसको अगर आज के सीरीज अगर देखते हैं, आज का अगर वीडियो आप देखते हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंसेगा ही, ठीक है। तो बस मेरे साथ सिर्फ 2 से 5 मिनट बने रहिए, और आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और एक ही ट्रिक से ही चारों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 20% की वृद्धि कर दिया जाता है, तब उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। कमी इसमें ध्यान रखना है, आप एक ट्रिक्स इसमें याद रखें, प्रतिशत कमी, ठीक है, या क्या होगा वृद्धि, ध्यान देना है। इसको लेना है, यहाँ लिखना है प्लस माइनस, लिखना है एक्स, ठीक है, फिर ले लेना है प्लस माइनस वाई, फिर आगे जो भी लिखना है यहाँ भी प्लस माइनस क्या लिखना है एक्स इंटू वाई, और बटा में कितना लिख देना है 100, इस तरीका से समझ लीजिए। अब देखिए कहाँ क्या करना है सो समझ लीजिए एक बार। अगर आपको लेना है, अगर वृद्धि होगा तो क्या होगा, प्लस रखेंगे, ठीक है, यानी प्लस कब होगा, जब वृद्धि होगा, ध्यान देना है। माइनस कब होगा, कमी होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि लास्ट में जो वैल्यू आएगा, अगर माइनस में आएगा तो उसको माइनस प्रतिशत को, परसेंट को दर्शाएगा, अगर प्लस में जो भी वैल्यू आएगा तो किसको दिखाएगा, वृद्धि को दिखाएगा, इतना दिमाग में सेट रखना है। अब देखिए यहाँ थोड़ा समझना है क्या, कि यहाँ देखिए एक बार क्या आएगा, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ किसका वैल्यू लेना है, प्लस का लेना है, ठीक है, समझ रहे होंगे। और यहाँ क्या करना है, दोनों भी जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डिजिट दिया हुआ रहेगा परसेंटेज का, वो दोनों के इंटू करके बटा में 100 लिख देना है, ठीक है, बटा में कितना लेना है 100। अब देखिए सबसे पहले समझते ही चलिए तो आपको आसानी होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देखिए क्या होगा, तब पहले क्या बोला गया है, दोनों में इसमें क्या बोला गया है, वृद्धि बोला गया है, तब पहले भी प्लस ले लीजिए, यहाँ क्या होगा, प्लस लिख लेते हैं समझने के लिए। वैसे आप जानते हैं कि कोई भी डिजिट के आगे अगर नहीं रहता है तो क्या रहता है, किसमें वैल्यू रहता है, प्लस में। अब यहाँ कितना है, फिर कितना बोला है कि 20% की वृद्धि, यहाँ भी 20, और देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ कौन सा वैल्यू लेंगे, तो यहाँ भी ले लेंगे कितना, प्लस ही लेंगे, और दोनों के सिर्फ इंटू कर देंगे 10 × 20 बटा में कितना 100। अब आसानी से आप बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो इस जीरो से इस जीरो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए कितना 10 और 20 कितना हो गया 30, और एक में 2 से गुना करेंगे तो कितना चलाएगा 2, तो 30 और 2 कितना हो गया 32, और 32 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो क्या होगा इसमें 32% के क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, समझ रहे होंगे, कोई भी इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। अब देखिए इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आप यहाँ समझ गए तो समझ गए हैं, तो कोई भी यहाँ पर अगर आप फंसते हैं तो पीछे से फीडबैक करके वीडियो देख लीजिएगा। हम बोले कि दोनों क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस ले लिए। चलिए अब आगे इसी से साथ जितना भी क्वेश्चन है इस टाइप का आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर में समझिए कितना दिया गया है, 20%। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु के मूल्य में, एग्जाम में आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट आप डाटा देखिए क्या है, 20% तथा 30% की कमी, यानी कमी होगा, यही समझना है, यानी कि माइनस यहाँ कितना है, पहले है 20, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 30। अब यहाँ थोड़ा समझना है, यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, तो समझिए कि माइनस और माइनस दोनों के क्या लेना है, यहाँ प्लस कर देना है। वैसे होता नहीं है, प्लस कब होता है, जब माइनस इंटू माइनस रहता है तभी हम लोग को प्लस होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों को होता, तो इसलिए नहीं, इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझने के लिए बोल दिए कि यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ भी अगर दोनों जगह माइनस में वैल्यू चला है तो आप व्यवहार में समझ लीजिए इस ट्रिक के लिए, और सेकेंडों में बनाने के लिए कि यहाँ भी माइनस, तो यहाँ किसका वैल्यू लेना है, आपको प्लस ले लेना है, ठीक है। आगे अब देखिए तो इसमें कितना, यहाँ 20 और यहाँ कितना हो जाएगा 30, और बटा में कितना ले लीजिएगा 100, आप जान रहे हैं, तो ए भी माइनस दोनों के अगर आप इंटू कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, -50, जानते हैं, और इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तब प्लस कितना हो गया 6।
अब सिक्स आया, अब इसमें से अगर माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना चला है आपका 44, और माइनस जब 44 आएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 44% किसका, कमी का, ठीक है, या 44% जो भी ऑप्शन दे दे। तो मेरे ख्याल से ये भी आप क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर डाउट होता है तो बताते चले। आगे देखते हैं हम लोग अब तीसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन को, आसानी से समझते चलिए, कोई भी क्वेश्चन इसी ट्रिक से, एक ही ट्रिक से हम लोग सारा बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, क्या बोला है, वृद्धि बोला है तो प्लस 20 लेंगे, तथा फिर 10% की कमी, तो यहाँ क्या ले लीजिएगा, -10, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लेंगे, तो आप जानिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, माइनस, तो आप समझ लीजिए व्यवहार में कि प्लस और माइनस दोनों चला है तो क्या होता है, यहाँ माइनस ले देना है, ठीक है। वैसे होता है इनटू में, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक्स के माध्यम से आप वैसे भी आपको दिमाग में सेट कर रहे हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ का वैल्यू जो लेंगे हम लोग किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, बस इसको कर लीजिए 20 और कितना हो जाएगा 10, और बटा में लिख लीजिए 100, तो इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो समझिएगा, तो इसमें से अगर इसको अगर माइनस कर दीजिएगा, थोड़ा स्टेप हम बढ़ जा रहे हैं लेकिन आप समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, 20 में से अगर माइनस कर देते हैं 10 तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस में होगा। अब यहाँ देखिए इसमें 1 से इंटू करेंगे, क्या में है माइनस, तो माइनस कितना होगा, 2, ठीक है, इसमें से माइनस, तो इसमें से अगर माइनस कर लेते हैं 2 तो कितना चलाएगा, 8, तो 8% क्या प्लस में आ रहा है, तो प्लस किसका रिप्रेजेंट करेगा, तो वृद्धि का, ठीक है, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चार नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आप सीखने को बस एक ही ट्रिक में आप बना सकते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी तथा फिर 20% की वृद्धि, जस्ट इसी का रिवर्स है, पहले क्या बोला गया है यहाँ माइनस, क्या हो गया है यहाँ, कमी दे दिया है, ठीक है, कितना 30%, फिर यहाँ क्या बोला 20% वृद्धि बोल दिया, तो 20% यहाँ ले लीजिए 20%, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस आएगा तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 30 × 20, और बटा में कितना होगा 100, ये तो आप जान रहे हैं। अब देखिए इसमें से अगर इसको अगर माइनस कर दीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 10, और इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट कर दिए, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, ठीक है। देखिए इसमें से इसको माइनस किया तो इसका वैल्यू ज़्यादा है इसीलिए लिए इसका, अब यहाँ देखिए ये भी कितना है यहाँ, तो -3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये दोनों के क्या कीजिएगा आप जोड़ दीजिए, ए भी माइनस, तो कितना चलेगा 16, यानी कि 16%, तो 16% यानी कितना 16% के क्या हो जाएगा, कमी, समझ लीजिए। फिर एक बार इसको आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ क्या वैल्यू लेंगे माइनस, 30 × 20 बटा कितना कर दिए 100, इससे इसको दोनों के कैंसिल आउट कर दिए तो 3 × 2 कितना हो गया 6, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस, या इसको इस तरह से भी कर सकते थे 3 × 2 कितना 6, और ई माइनस इसको जोड़ देते तो कितना चला था 36, और 36 में से फिर हम लोग कितना के माइनस करते 20, तो ऊपर भी आता कितना -16, और माइनस में जब आएगा तो किसमें रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको कमी में, यानी कि 16% के क्या हो जाता है, कमी हो जाता है एक तरह से। और इसी टाइप से क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दे कि मान लेते हैं कि यहाँ 30% के कमी दे दे, फिर समझ लीजिए माइनस फिर 20% के कमी, दोनों कमी ही दे दे, तो इस माइनस यहाँ माइनस माइनस, यहाँ किसका वैल्यू ले लेना है, प्लस कर देना है, ठीक है, और 30 और क्या लेना है 20, समझ लीजिए यहाँ भी माइनस रहे, और बटा में कितना होगा 100, जो हम लोग इससे पहले रिलेटेड इस टाइप के भी क्वेश्चन देख लिए, इस पर भी डिस्कर्स हम कर ही दिए हैं, आप समझ ही गए होंगे, तो कितना चला था ये 50, -50, और इसमें से ही प्लस रहता वैल्यू 6, तो इसमें से माइनस करते तो कितना चला था 44, यानी कि सारा जितना भी टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है हम सारा इस टाइप से डिस्कस कर दिए, ठीक है। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा, ट्रिक्स का खजाना का, मैथ ट्रिक्स का खजाना का, वो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी का भी हम डेली आपको एक एक वीडियो देंगे ट्रिक्स के माध्यम से, जो हमेशा हर पेपर से आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, इसका 100% गारंटी। कोई भी अगर सीरीज आप कंटिन्यू देखते हैं तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बना देंगे, इस जो क्वेश्चन को लिया गया है तो इस सबसे ज़्यादा अगर देखना चाहते हैं तो परसेंटेज के जब पेपर आप बनाइएगा या कोई भी बुक से बनाते होंगे तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा उस पेपर में आपको इंक्लूड है,
उस टॉपिक में कहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग आगे देखेंगे ट्रिक्स का खजाना में।